दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है एक फ्राई रेसिपी बोल सकते हो या सब्जी, सूखी सब्जी बोल सकते हो। और इस रेसिपी के लिए हम आज ये ले हूँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर इसको पालो बोलते हैं। और इसको मैंने छील के ये हिस्सा आप देख रहे हो, ये हिस्सा को मैं छील रही हूँ। और ये इसका छिलका है, इसको उतर के मैं इसको ऐसे गोल गोल काट ली हूँ। और इसमें थोड़ा सा आलू ली हूँ, एक या दो, और ये 4 से 5 पालवा है। तो चलिए इसको हम उबाल लेते हैं, क्योंकि सब्जी उबालते हैं हम बनाते हैं। देखिए कुछ इस तरह है। और ये भी देख लीजिए, अगर आप लोगों को कहीं नहीं भी घर में लाइए और बना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम गैस ऑन कर लेते हैं ताकि हम हमारे आलू और पालुओं को उबाल लेते हैं। ये उड़ीसा में मिलती है, पर बाहर अगर मिल जाएगी तो अच्छी बात है, बस थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए अब हम इसको हम डाल देते हैं। चलिए अब हम इसमें पानी डाल देते हैं, एक दो कप, 2 गिलास तक। बस इतना। और अब हम इसमें ये इसको डालेंगे, पालो और आलू को, ताकि ये थोड़ा उबल जाए। और उसके बाद हम इसके मसाला बनाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, करीब 1/2 चम्मच, ताकि इसमें थोड़ा सा नमक भी आ जाए। तो इसको मैं ढक देती हूँ। फिर इसको हम हिला लेते हैं अच्छे से, इसको मिला लेते हैं अच्छे से। अगर आपको आप चाहो तो हल्दी भी इसमें डाल सकते हो। ये कुछ अदरक जैसी दिखाई दे रही है, पर ये अदरक नहीं है और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसका क्या नाम है अगर आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले इसको हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में। चलिए ढक देते हैं हम इसको, ढक के इसको पकने देते हैं। तो चलिए हम तैयारी करते हैं मसाले की। दोस्तों चलिए अब हम चेक कर लेते हैं हमारा ये उबल गया है या नहीं। देख लेते हैं, हाँ ये पक गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं, इसका हम निकाल देते हैं। जो ढक्कन मैंने इस पे ढका था वही उसी के अंदर मैं इसको निकाल दे रही हूँ। दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें कि इसका नाम क्या है, क्योंकि मुझे खुद भी पता नहीं है इसका नाम क्या है। दोस्तों मैं इसको निकाल रही हूँ। अब चलिए हम इसमें तेल डालते हैं, मसाले में भूनेंगे। यहाँ पे कुछ 3 टेबलस्पून ऑयल डालिए। दोस्तों यहाँ पे मैं एक मसाला तैयार की हूँ, इसके अंदर है 1 छोटी प्याज और 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, 1 छोटे पीस अदरक और थोड़ी सी 1/2 टेबल स्पून जीरा और 2 चम्मच सरसों मिला के ये पेस्ट बनाई हूँ। तो ये पेस्ट कुछ इस तरह है, देखिए ये ज़्यादा सब नहीं लगेगा, थोड़ा सा लगेगा। इससे हम आधा ले लेंगे। इससे पहले हम हमारे तेल को गर्म होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो गया, चलिए इसमें हम 5 फोरन डाल देते हैं। यहाँ पे मैं 1 चम्मच ले लूँ। चलिए इसको हम डाल देते हैं ताकि ये भी थोड़ा सा चटक जाए।
और यहाँ पर मैं दो सूखी लाल मिर्च को बीच से तोड़ के ले लेंगे, इसको भी हम डाल देंगे, डाल देते हैं। और यहाँ पे मैं एक छोटे प्याज को ऐसे छोटे छोटे पीस में कट कर ली हूँ, चलिए इसको भी डाल देते हैं। इसको हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक तल लेंगे। दोस्तों ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और मैं डिस्क्रिप्शन में लिख कि ये कौन से इसमें कौन से गुण हैं और वो जो हमारे हेल्थ के लिए चाहिए। तो यहाँ पर मैं 6 से 7 चम्मच नमक ले रही हूँ और थोड़े से इसका मैं और एक रेसिपी बनाऊंगी आप सबके लिए, इसका पकौड़ा बनाने की रेसिपी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए पकौड़ा रेसिपी जानने के लिए आगे वीडियो में। तो चलिए अब हम इसमें ये आलू और पालक को डाल देते हैं। हम मिला लेते हैं अच्छे से और इसमें अब हम लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं 1 चम्मच से कम, इसको भी हम मिला लेते हैं अच्छे से। दोस्तों चलिए अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं, यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ले रही हूँ। हम इसको फिर से थोड़ा सा ऐसे भाग लेते हैं या भून लेते हैं, उसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। तो हम सब्जी को देख के मसाला लेंगे, नहीं तो हमारा मसाला ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए हम मसाला डालते हैं 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच और ये थोड़ा सा, तो इसको हम मिला लेते हैं और फ्लेम को कम कर देते हैं, नहीं तो हमारा सब्जी जल जाएगा। इसको मिला लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे मैं जो मसाला पीसी थी वो इसका ये पानी है, तो हम इसको भी सब्जी में डाल देंगे। तो चलिए हम डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा पकने के लिए फिर से देते हैं, सारा पानी हम दे देंगे। फिर से इसको हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। चलिए इसमें और थोड़ी सा पानी दे देते हैं और इसको हम उबलने के लिए छोड़ देते हैं ढक्कन लगा के। इसको हम पूरी तरह से ये पानी को सुखा लेंगे। चलिए ढक्कन लगा देते हैं और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं अच्छे से। दोस्तों हम इस ढक्कन हटा के थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हमारा ये सब्जी का कैसा हुआ है। दोस्तों करंट चला गया है तो थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम होगी, तो ये इसका पानी लगभग सूख गया है, तो हमें इसका पानी और सुखाना है। तो हम इसे और थोड़ा सा ढक्कन लगा के
पका लेते हैं जब तक तो इसका पानी ख़त्म ना हो जाए। तो चलिए इसका पैन फिर से हम ढक्कन लगा देते हैं। दोस्तों चलिए फिर से हम ढक्कन हटा कर देख लेते हैं हमारी सब्जी कैसा बना है। तो ये कुछ इस तरह बना है। चलिए इसको हम ऐसे खोलने में बिना ढक्कन लगाए थोड़ा सा फिर से पका लेते हैं। चलिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं। हमें थोड़ी और तेल चाहिए होगा दोस्तों। चलिए हम सब्जी बना लेते हैं। इसको एकदम और सूखा बनाएंगे एकदम से। दोस्तों हमारा सब्जी रेडी हो गया है। चलिए इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। दोस्तों चलिए गैस ऑफ कर देते हैं। और ये हमारा कुछ इस तरह से बना है और इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारा कुछ इस तरह बना है सब्जी। देख लीजिए अच्छे से। अगर आप लोगों को कभी भी ये मिले तो घर में बना के खाइए, सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए वीडियो हमारा यहाँ पे रेसिपी खत्म होता है और बनने हमारे साथ बने रहिए आगे तक। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो थोड़ा पास से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए कुछ अदरक की देखते दिखाई दे रही है, कई अदरक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।